आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष व मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने विकास नगर कुर्सी रोड स्थित पोस्ट प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन किया। दिव्य ज्योति डिजिटल स्टूडियो के नाम से इस प्रोडक्शन हाउस के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अब लोगों को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुंबई या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम यहीं पे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का भूमि पूजन भी दिसंबर तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी की फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियो खुलेंगे उनको सरकार प्रमोट करेगी। उसी कड़ी में आज दिव्य ज्योति पोस्ट प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन किया गया। प्रोडक्शन हाउस की चेयरमैन सविता मिश्रा ने बताया कि प्रोडक्शन हाउस आधुनिक तकनीक से लैस है और यहाँ पर हर तरह की फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन किया जाएगा। ऐसे में अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तो यूपी के कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। प्रदेश में फिल्म उद्योग तेजी से विकसित होगा। इस अवसर पर प्रोडक्शन हाउस की चेयरमैन सविता मिश्रा, मधु, मुंबई के संजय कपूर, उत्तर प्रदेश कलाकार एसोसिएशन के सचिव विनोद मिश्रा सहित कई निर्माता, निर्देशक व गणमान्य लोग उपस्थित थे। दिसंबर तक हम लोग उसका भूमि पूजन करके शिलान्यास कर लेंगे और ऐसा मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्द जल्द हो। सिर्फ ये ना रहे कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं। मुख्यमंत्री जी इसके खिलाफ है कि जो घोषणा हो वो पूरी हो, सिर्फ पट्टी लगाने से काम नहीं चलेगा। तो इस साल के अंत तक इसमें एक ठोस तरह यहाँ पे इनोवेशन किया गया, किस तरीके का है, क्या इनोवेशन? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत समय से फिल्म निर्माताओं की मांग थी कि यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन की व्यवस्था नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन के नाम पे कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं। तो यहाँ शूटिंग तो कर लेते थे और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए या तो चेन्नई जाते थे या मुंबई जाना पड़ता था। तो यहाँ पर आज दिव्य ज्योति डिजिटल स्टूडियो, हाँ, यहाँ पर खुल गया है। आज से इसकी ओपनिंग हो रही है प्रभु के नाम से। सो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब कंप्लीट फिल्म यूपी में ही बन जाएगी, दूसरे प्रदेशों में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी मैं इनको शुभकामनाएं देने आया हूँ। ये ऑनर है उस स्टूडियो की। मधु जी हैं, मैं सविता मिश्रा जी हैं। इन लोगों ने ही ये स्टूडियो बनाया, तो मैं इनको बधाई देने आया हूँ। और दूसरा मैंने कहा भी है कि सरकार की तरफ से जो भी इसमें और आपको सुविधाएं चाहिए और जो भी नियम से है वो हम ज़रूर इसमें आगे भी कुछ करेंगे, ताकि फिल्म बंधु से जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको लिंक करेंगे स्टूडियो को, ताकि लोग यहाँ आके काम करें। सर, उत्तर प्रदेश में ये बड़ा स्टूडियो, किस तरीके की स्पेशलिटी इसमें है और क्या अलग है? लेकिन फिल्म शूटिंग के बाद एक्चुअली बहुत काम रहता है। लोग समझते हैं शूटिंग हो गई तो फिल्म पूरी हो गई। यहाँ कलरिंग कर सकते हैं, फिर डबिंग होगी, फिर मिक्सिंग होगी। देखिए, सिर्फ फिल्म वालों को ही नहीं, लॉकडाउन में सभी वर्ग के लोगों को तकलीफ हुई, चाहे मजदूर हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे फिल्म वाले हों, कलाकार व्यवसायी है और छोटे कर्मचारियों को, मजदूरों को ज़्यादा तकलीफ हुई। लेकिन सब आपस में मेलजोल से सबने एक दूसरे को सहयोग किया और थोड़ा बहुत सरकार ने सहयोग किया। करपुरा की बुरा वक्त बीत गया है, कोरोना जाने वाला है, जाने की कगार पे है। वैसे अभी बोल रहा है डेल्टा 2 आने वाला है। भगवान चाहे वो नहीं आएगा। हाँ, मैं अपनी आपत्ति बता रहा हूँ। मैंने तो इतना काढ़ा पिया, मैं छींकता हूँ तो हल्दी निकलती है। फिल्म सिटी का भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बात हो रहा था। फिल्म सिटी की तैयारियाँ चल रही है। जाहिर है ये लॉकडाउन की वजह से सब डिले हो गया था। हमारे कई ऑफिसर्स को भी हो गया था कोरोना, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन
इस साल के अंत तक दिसंबर तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये आदेश भी है और सबकी तैयारी भी है कि दिसंबर तक हम उसका भूमि पूजन करके शिलान्यास कर लेंगे नोएडा में और अगले साल से काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू मैम। छोटा सा आपसे सवाल है, जैसे आप स्टूडियो आपने यहाँ पे डाल देंगे लखनऊ के अंदर, तो यहाँ के लोगों को क्या इसमें योगदान मिला, जैसे कि आपने कहा कि अभी हम सारे लोगों को बाहर से हायर करके लाए, यहाँ के लोगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? देखिए मैं यहाँ चाहती हूँ कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी मैं खोलना चाहती हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये जो हम लोग बाहर से अभी लाए हैं कलाकार, उन यहाँ पे लोगों को ट्रेन करें और उनको यही हमारे यहाँ जॉब मिले। इसलिए स्टूडियो के साथ में हो सकता कुछ समय बाद अगर यहाँ से फंड की व्यवस्था हो जाए तो शायद मैं जल्दी ही स्कूल शुरू कर दूँ, तो यहाँ के लोगों को शिक्षा और रोज़गार दोनों हमारे स्टूडियो के और हमारी कंपनी के माध्यम से। और सबके लिए राजू श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं, सबसे पहले उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने हम निवेदन जरूर करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि आपके स्टूडियो में फिल्म यूनिट ज्यादा आए यहाँ काम, ताकि आप ऐसे और स्टूडियो खोलें। आप ये देखिए कि अगर लोग आएंगे वहाँ से मुंबई से आएंगे और यहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे तो नेचुरली यहाँ एक ट्रेनिंग होगी और उनको रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। आज तो सिर्फ हम लोगों का एक ऑफिस खुला है, हो सकता है ऐसे चार और खुल जाए, हमको रोजगार यही के ही मिले। जो लोग मुंबई जाते हैं काम करने के लिए हम लोग सारी चीज़ें यही सुविधा दे रहे हैं ताकि उन लोगों को मुंबई जाने की ज़रूरत ना हो, वहाँ जाके परेशानियाँ होती है वो ना, उनको यहाँ वंडर रूफ एक में ही एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिल जाए। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक, और हाँ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार मैं हूँ अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।